हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे कि फेस स्मूथिंग कैसे करेंगे। ऑटोडोस एप्लीकेशन से पेंसिल वाले आइकन पर टच करेंगे, फिर उसके बाद जाके स्माउज वाले ऑप्शन पर टाइप करेंगे, फिर नीचे वाले ऑप्शन पर टाइप करेंगे, उसके बाद जाके साइज और फुल स्ट्रेंथ तीनों को आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए किस तरीके से रखना है। फिर उसके बाद फ़ोटो पर आएंगे, जूमिंग करेंगे, फिर अपने हिसाब से फ़ोटो को सेट करेंगे। उसके बाद पेंसिल को धीरे धीरे अपने फेस पे और फोरहेड पे चलाएंगे। जहाँ जगह आप लोग को स्मूथिंग करना है, हर जगह पे आप लोग पेंसिल को चलाइएगा। जिस तरीके से चलाइएगा उस तरीके से रिज़ल्ट मिलेगा, और जितना धीरे चलाइएगा उतना ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, अच्छे से चलाना है और वीडियो में बने रहना है। ठीक है, जहाँ जहाँ आप लोग को स्मूथिंग चाहिए हर जगह पर चलाइए पेंसिल धीरे धीरे, और जिस तरीके का आपका फेस है उसी तरीके से चलाना है। जहाँ जहाँ आप लोग धीरे धीरे वीडियो को में देखिए और उस तरीके से ऑटोडोसक एप्लीकेशन चलाइए, और उतना तो वीडियो नहीं कर सकते बड़ा। अगर आप लोग वीडियो देख के फ़ोटो स्मूथ कीजिएगा तो बहुत जल्दी सीख जाइएगा, इसलिए अच्छे से एडिटिंग करना सीखना है तो वीडियो में बने रहना होगा। फिर जाके आगे देखिएगा वीडियो स्पीड करेंगे, आप लोग भी उस तरीके से चलाएगा जिस तरीके से हम चलाए हैं, फिर जाके आप लोग भी बहुत जल्दी सीख जाइएगा। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा और अंत तक वीडियो में बने रहिए। Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. अब हम नेक पे गले पर चलाएंगे पेंसिल उसी तरीके से जिस तरीके से हम फोरहेड पे, चीक पे और नोज पे चलाएँ हैं, अपने एक पे चलाएंगे। धीरे धीरे पेंसिल को चलाएंगे और स्मूथिंग आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। आप अपने हिसाब से साइज को छोटे बड़े भी कर सकते हैं, लेकिन फोलो और स्ट्रेंथ को सेम रखिएगा 5-5 ही, फिर आगे रिजल्ट आपको और अच्छे से देखने को मिलेगा। और आप लोग भी आशा करेंगे कि वीडियो अच्छे तरीके से देखे होंगे तो सीख ही जाएंगे। आप वीडियो फुल वॉच करें। आप लोग के सामने हैं, आप लोग भी आशा करते हैं इसी तरीके से एडिटिंग करना सीख गए होंगे।